दोस्तों नमस्कार, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि कक्षा 10 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स देने में सहायक होंगे। तो कुछ प्रश्न इस तरह के हमने लिए हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए लिखा गया है कि वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टाइन थीटा। पहले हम इसको हल करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम इसको पहले हल करेंगे। तो देखिए इसको इस तरह लिखेंगे, प्रश्न लिख लेंगे कि वन प्लस साइन थीटा बटे वन माइनस साइन थीटा। अब इसका आपको सलूशन करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, देख रहे हैं काड़ी लगी है, ऊपर लिखा गया है वन प्लस साइन थीटा और नीचे लिखा गया है वन माइनस साइन थीटा। आपको ध्यान देना है यहाँ पर थीटा लिखा गया है, तो आपको इसमें करना है वन प्लस से, आप इसमें वन प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे। वन प्लस साइन थीटा से इसके हर में गुणा कर देंगे और इसके अंश में भी गुणा कर देंगे। तो देखिए हो जाएगा, ऊपर हो गया कितना, ऊपर हो गया वन प्लस साइन थीटा और वन प्लस साइन थीटा। तो इसको आप लिख देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा घाते दो हो जाएगा और नीचे हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वर्गांतरल फार्मूले से। ये कोष्टक में देख रहे हैं ए प्लस बी है और एक कोष्टक में ए माइनस बी है, तो इस तरह से देख रहे हैं, एक में वन माइनस साइन थीटा और एक में वन प्लस साइन थीटा, तो इसका मान हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से अब वन माइनस, चूँकि आप जानते हैं चूँकि वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसके स्थान पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर। प्रश्न हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा और बटे में लिख देंगे कॉस थीटा और पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। अब देख रहे हैं पूरे का स्क्वायर, इसके बाद एक कड़ी लगी है, अब स्क्वायर को हटा के दें, कड़ी हट जाएगी। इस तरह से हो जाएगा, यह आ गया वन प्लस साइन थीटा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा। अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा एक बटे कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब आप जानते हैं कि एक बटे कॉस थीटा का मान होता है सेक थीटा और साइन थीटा का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का मान होता है टेन थीटा। इस तरह से आपका आंसर आ गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा करते हैं समझ में आ गया हो। इसी तरह से हम दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य त्रिकोणमिति बताइए। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात आपको बताना है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, तो आप इसको बहुत ही सरल ढंग से इसको कर लेंगे। तो आप लिख देंगे, लिखा गया है कि सेक थीटा, इसका हल आप कैसे करेंगे, लिखेंगे कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो आप सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेंगे। इस तरह से ट्रायंगल बना करके आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर लाल बटे कक्का से आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। इसके बाद आप कर्ण इसका देख रहे हैं ऊपर लिखा गया, इसका अर्थ है कि 13 हो जाएगा और आधार इसका 12 हो जाएगा। अब इसको आप कुछ नाम दे दें, पी क्यू आर लिख दें। इसके बाद इसको जब हल करेंगे तो इसको आप हल कर लेंगे तो हो जाएंगे, लिख देंगे कि पी आर बराबर कर्णी में ये हो जाएगा, आपको पी क्यू निकालना है तो यहाँ पर पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू बराबर हो जाएगा
पी आर के स्क्वायर माइनस क्यू आर के स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि पी आर के स्क्वायर 13, तो 13 के स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे 12 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 13 में 169, ये हो जाएगा 12 ब्रह्म में 144, और घटा देंगे तो आ जाएगा ये आ गया 25 आ गया, 25 का वर्गमूल कर देंगे 5 आ गया, इस तरह से अब यहाँ पर 5 आ गया। अब इसके बाद आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल लेंगे, आपको ये इसको हम थीटा लिख देते हैं। तो इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब निकाल लेंगे। साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइड से निकाल लेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लिख देंगे ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। और कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसका अर्थ हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ये हो जाएगा 5/12। तो इस तरह से आप इसका जब काट का निकालना होगा तो काट का ये हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको कोसेक निकालना होगा तो 13/5 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सरल ढंग से। तीसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख रहे हैं, कह रहा है कि त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और इसमें कह रहा है कि ABC त्रिभुज के अंतः कोण हैं। तो आपको सिद्ध करना है कि साइन B+C/2 बराबर कास A/2, आपको यही सिद्ध करना। तो इसको आप कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180° होता है। तो आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग बराबर होता है 180°। तो आप 180° होता है। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो जाएगा ए कोण, इसको आप लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ये बराबर हो जाएगा 180°। अब आपको सिद्ध करना है कि B+C, तो ऐसा करना है आपको B+C यहाँ रहने देंगे और A को पक्षांतर करके इधर लिख देंगे। आप लिख देंगे कि A+B+C बराबर 180°। इसके बाद इसको पक्षांतर कर देंगे, तो इसको लिख देंगे B+C बराबर हो जाएगा 180 माइनस ए। इसके बाद इसमें आप 2 से भाग कर देंगे, 2 का इसमें भी भाग कर देंगे, 2 का इसमें भी भाग कर देंगे, ये हो जाएगा कि B+C/2 हो जाएगा। और इसको लिख देंगे 180 माइनस A/2 हो जाएगा। अब इसको आप लिख देंगे अलग अलग, तो इसको लिख देंगे हो जाएगा कि B+C/2 और ये हो जाएगा 180/2 और माइनस में हो जाएगा ये, इसको आप लिख देंगे A/2 हो जाएगा। इतना करने के बाद अब इसको सरल कर लेंगे, तो जब सरल करेंगे कितना हो जाएगा, इसको सरल करेंगे तो जब सरल करें तो हो जाएगी B+C/2 और बराबर ही हो जाएगा 90 - A/2। इतना करने के बाद अब आप इसमें लिखेंगे, इसके बाद आप लिख देंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा साइन B+C/2 और ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 90 - ये हो जाएगा A/2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो गया साइन B+C/2 हो जाएगा, इसको लिख देंगे साइन B+C, तो ये हो गया कि साइन B+C/2 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस है, तो हो जाएगा कास, ये हो जाएगा कास A/2। आप जानते हैं कि चूँकि साइन 90 माइनस थीटा
90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया कि साइन बी प्लस सी बटे दो बराबर कास ए बटे दो। इस तरह से इन सब महत्वपूर्ण प्रश्नों, चौथा प्रश्न, एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। इसमें देख रहे हैं कि पी क्यू की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर और पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया गया, और आपसे पूछा जा रहा है कि टैन पी माइनस टैन काट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान ढंग से आप इसको निकालेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर, आपको पहले क्यू आर का मान निकाल लेना है। तो क्यू आर का मान आप पाइथागोरस के प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस के प्रमेय से आप इसको निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्यू आर आप इस तरह से लिख करके निकालेंगे तो हो जाएगा ये कि 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, तो आ जाएगा ये देखिए हो गया, कड़ी में आ जाएगा 169 माइनस 144, इसको घटा देंगे तो आ जाएगा कड़ी में 25। कड़ी में 25 का मान रख देंगे, वर्गमूल कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इस तरह से अब आप टैन पी निकालेंगे। तो देखिए टैन पी कैसे निकालेंगे, तो टैन पी की पी कोण पूछा जा रहा है, तो इस कोण के लिए यह इसका आधार हो जाएगा और यह इसका लंब हो जाएगा। तो टैन पी लिखेंगे तो टैन पी कितना हो जाएगा, टैन पी होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसका हो जाएगा यह अभी जो आप निकाले कि 5 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 5 और इसका आधार हो जाएगा 12। तो इस तरह से ये हो गया 12, ये हो गया टैन पी आ गया 5 बटा 12। इसी तरह से काट आर निकाल लेंगे। तो देखिए काट आर के लिए यह आधार होगा और ये लंब होगा। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार इसका हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। अब इसके बाद आप को निकालना है कि टैन पी और काट आर। तो टैन पी के और माइनस काट आर का मान आपको निकालना है, तो टैन पी के स्थान लिख देंगे 5 बटा 12 और यहाँ पर लिख देंगे माइनस काट आर का मान 5 बटा 12। तो देख रहे हैं 5 में से 5 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 बटा 12 आ जाएगा, 0 बटा 12 का मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। इस तरह से इसका मान आ गया 0। इसी तरह से अगर आपको इस तरह का कोई प्रश्न दिया हो कि साइन 65 अंश बटे कास 25 अंश और प्लस साइन 15 अंश बटे काट 75 अंश और प्लस सेक 11 अंश बटे दिया हो कि कोसेक 79 अंश, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, एक नंबर दो नंबर में बार बार आता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए आपको इसको कैसे हल करना है। इसको हल करने के लिए आपको देखना, जैसे देख रहे हैं कि साइन 65 अंश बटे कास 25 अंश है, तो इसमें आप एक चाहे अंश में या हर में एक चेंज करेंगे। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, देखिए जैसे साइन 65 है तो आप लिखेंगे साइन, आप 65 के स्थान पर आप लिख क्या सकते हैं, 65 के स्थान पर आप लिख देंगे जैसे 65 है तो आप 90 में से 65 को पहले माइनस करिए। तो 90 में से 65 माइनस करें कितना आ जाएगा, देखिए आ गया यहाँ पर 25। तो अब आप जहाँ 65 लिखा गया है तो 65 के स्थान पर आप लिख सकते हैं कि 65 बराबर 90 माइनस 25। तो आपको जहाँ पर 65 लिखा गया है इस 65 के स्थान पर आप लिख देंगे 90 माइनस 25। इसी तरह से अब नीचे आपको कोई चेंज नहीं करना है, नीचे आप लिख देंगे कास 25 अंश। इसी तरह से हम सब में कर लेंगे, एक चेंज कर लेंगे, चाहे जो भी आप जाए अंश को चेंज करना चाहें तो अंश को चेंज कर सकते हैं, अगर हर को चेंज करना चाहें तो हर को चेंज कर सकते हैं।
ये आपके ऊपर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, अब इसको हम लिख देते हैं, हम इसको लिख देते हैं साइन 15° लिख देते हैं और नीचे को चेंज कर लेते हैं। चलिए नीचे चेंज, जैसे अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है काट 75 लिखे, तो 75 आप लिखेंगे 90 - 75, 90 - 75 घटाए 15 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर आपने क्या किया कि 90 - 75 किया, 90 में 75 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब आप जहाँ पर 75 लिखा गया है तो उसके स्थान पर आप लिख देंगे, ये हो जाएगा काट 90 - 15 हो गया। इसी तरह से प्लस देखिए, इस तरह इसको भी चेंज कर लेंगे। ये देखिए सेक 11 है, तो आप सेक 11 कोई भी चेंज करें जो आपको अच्छा लगे। तो हम इसको अगर चेंज करें तो 90 में से 11 को घटाएं कितना आएगा, तो आ जाएगा 79। तो हम इसको लिख देंगे सेक 90 - 79 और नीचे लिख देंगे कोसेक 79°। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए, इसको जब सरल करेंगे तो देखिए ऊपर लिखा गया है कि साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि साइन 90 - थीटा बराबर होता है कास थीटा, और कास 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और सेक 90 - थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो इस तरह से आप इन मानों को रख देंगे, तो जब आप लिख देंगे जहाँ पर साइन 90 - थीटा लिखा गया है तो इसको लिख देंगे, हो जाएगा, ये हो जाएगा कास और हो जाएगा 25°। देखिए नीचे भी कास, नीचे भी कास 25° हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए इसी तरह से इसको भी लिखेंगे, ये हो जाएगा साइन 15° और नीचे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा साइन 15°। इसी तरह से सेक को भी, जब सेक को लिखेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कोसेक 79° और बटे नीचे हो जाएगा कोसेक 79°। अब देख रहे हैं यहाँ पर आ गया कास, कास से कट जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन 15, साइन 15 से कट जाएगा, और इसमें देखिए ये कास कोसेक 79, कोसेक 79 से कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। इस तरह से तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर 3। तो इस तरह से इसका आंसर 3 आ गया। लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।